फ्रेंड्स देखो ये कितना बड़ा स्नेक है टियाना के हाथ में। ओ माय गॉड क्या करोगे इसका। ओ भाई साहब टियाना के हाथ में, अरे ये क्या ले लिया टियाना आपने हाथ में, नीचे इतना बड़ा स्नेक है। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी यहाँ होटल नेक्स्ट से हम चेकआउट कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी रुके हैं कड़ी कचौड़ी खाने के लिए जो कि यहाँ की फेमस डिश है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखो ये कितना बड़ा स्नेक है टियाना के हाथ में। ओ माय गॉड क्या करोगे इसका। ओ भाई साहब टियाना के हाथ में, अरे ये क्या ले लिया टियाना आपने हाथ में, नीचे इतना बड़ा स्नेक है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था नकली है। फ्रेंड्स अभी रुके हैं लंच के लिए और अभी बस लंच आ गया है हमारा। फ्रेंड्स खाना पीना सब हो चुका है और अब बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम। फ्रेंड्स देखो यहाँ खा रही है नाइस आइसक्रीम और फ्रेंड्स यहाँ खा रही है टियाना आइसक्रीम। बस आइसक्रीम भी खाना खाना मत खाना, ओके नहीं थोड़ा थोड़ा खाते हो बस यही करते हो और आइसक्रीम आइसक्रीम टॉफी गोली बस ओ हो भाई यही चीजें चाहिए इनको। खाना इन्होंने दो या तीन बाइट खाए हैं और हर टाइम इनको आइसक्रीम और कैंडी चाहिए बस। खाना फ्रेंड्स इसकी एक्टिंग आपने देखी है, एक्टिंग देखी है, देखो देखो फ्रेंड देखो महान ही है, पता नहीं कौन सी एक्टिंग करती है। देखो खा कैसे रही है, खा कैसे रही है देखो जरा। देखो गांव से निकले हैं और ये साउंड, ओ भाई साहब इनके सींग देखो, ओ डर लग रहा है गाड़ी में बैठे हुए। फ्रेंड्स देखो हम सुबह के निकले हुए थे 12 बजे के और अभी तक हम गाड़ी में ही बैठे हैं और अब शाम के बज रहे हैं 7:30 और बच्चों के साथ इतना ज्यादा रुकना होता है कि बीच बीच में स्टॉप लेना पड़ता है, कभी वॉशरूम के लिए कभी खाने पीने के लिए। एक बार ही तो इनको खाना नहीं होता, बार बार ही खाते रहते हैं। फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं घर और बहुत ज्यादा थक गए हैं और बच्चे तो सो गए थे, कभी नाइसा सो गई कभी टियाना मेरी गोदी में सोती रही पर मैं 5 मिनट भी नहीं सोई हूँ, इतनी ज्यादा थकावट हो रही है और सर में इतना दर्द हो रहा है। और बस अब आके अब डिनर करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड हमने रास्ते में कल से इतना कुछ बाहर का खाया तो अब मन हो रहा है कुछ घर का ही खाने और वो भी हल्का खाना। तो अभी मैं टियाना को मैंने दूध रस दिया है वो खा रही है और जो नाइसा जो है वो भी अपने ब्रेड बटर खा रही है और मैं भी आज दूध ब्रेड ही खा रही हूँ फ्रेंड्स डिनर में। तो अभी फ्रेंड्स अभी मैं फिलहाल सबके लिए रेडी कर रही हूँ खाना। बच्चों घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है घर आके। अरे बहुत सुकून मिल रहा है होटल्स में, मतलब घर आके क्या अच्छी वाइब मिल रही है ना। हाँ घर फ्रेंड्स कहीं भी चले जाओ एट द एंड आना कहाँ होता है, घर। कुछ भी कर लो घर तो आना ही, और घर जैसी बात तो कहीं नहीं होती है फ्रेंड। ये देखो मम्मा की स्लीपर्स पहन के घूम रही है, गंदी बात टियाना, वेरी बैड, गलत बात टियाना। आप मम्मा की स्लीपर्स क्यों पहन के घूमते हो हैं बताओ? मम्मा मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी स्लीपर्स पहना करो ना, मेरी क्यों पहनते हो? नहीं देखो देखो फ्रेंड, ओ गलत बात चलो गिर जाओगे, हील्स है टियाना, हील्स है, बहुत तेज गिरोगे पैर मुड़ जाएगा। नहीं फ्रेंड्स ये सबके लिए हो गया दूध गरम और ये है ब्रेड, अब इस पे बटर लगा रही हूँ, ब्रेड बटर और दूध खाएंगे आज। फ्रेंड्स अभी देखो अभी हम आ चुके हैं घर और देखो मम्मा ने हमें अभी से पढ़ने के लिए बिठा दिया है क्योंकि मेरे आ चुके हैं एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 22 से। हम कर रहे हैं पढ़ाई क्योंकि टियानो और मेरी हो चुकी थी गाड़ी में नींद पूरी और मम्मी तो सोती ही नहीं है कभी गाड़ी में, तो मम्मा की अभी नींद पूरी नहीं हुई है और मम्मा को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि भाई अगर हम शाम बाबा से आए हैं तो राजस्थान से सीधा दिल्ली में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो तो लगेगी, नींद आएगी क्योंकि मम्मा सुबह से नहीं सोई, बस मैं सोई हूँ और टियाना सोई है। और फ्रेंड्स मम्मा को पता नहीं ऐसा क्या है मम्मा के अंदर, जो कहीं मनाली जाओ मसूरी जाओ श्याम बाबा के जाओ राजस्थान जाओ
मम्मा भाई एक भी ट्रैवल बैग में सोती नहीं है, बस सोती नहीं है भाई। हम सब तो सो जाते हैं, मैं, मेरे मामू, मामी, मैं, टियाना और पता नहीं कौन कौन, अगर जो भी हमारे साथ जाते हैं सब सो जाते हैं, लेकिन मम्मा हमारी सोती ही नहीं है। ये हमारी मम्मा के पास है फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज बताऊँ, अगर मम्मा किसी रूट पे चली गई, सपोज अगर मम्मा पहली बार मनाली गई, तो मम्मा को वो रूट ना कभी भूलेगा नहीं। अगर किसी भी ड्राइवर को भूल गया ना, आज भी हम गए थे, ड्राइवर को नहीं पता था, मम्मा बहुत बार जा चुकी है ना, तो अब मम्मी ने बताया ड्राइवर को कि इधर से उधर जाना है, इधर से उधर जाना। मम्मी को सारे रूट्स पता है, जहाँ सब हम मनाली गए, मम्मी को सारे मनाली के रूट्स पता है। हम राजस्थान गए, राजस्थान के सारे रूट्स पता है मम्मी को, भरी पता नहीं मम्मा के अंदर क्या है ऐसी चीजें जो मम्मी को इतनी सारी, मतलब वाओ यार वाओ। फ्रेंड्स अभी मैं आधा घंटा मम्मा ने बोला है पढ़ने के लिए, उसमें मैं 5 to 6 क्वेश्चन याद कर लूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखो मम अब अगर मैं 5 to 6 क्वेश्चन याद करूंगी ना, तो मम्मा भी गुस्सा नहीं आएगी और मैम मेरे भी काम मेरे लिए इजी हो जाएगा। और कल है हम मेरे लिए छुट्टी मेरी, क्योंकि मेरे लिए ना स्कूल में CBSE बोर्ड के कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, तो इसलिए आज हम मतलब कल हमारी फिफ्थ की क्लासेस की छुट्टी है। तो अभी मैं कर लेती हूँ आधा घंटा अपनी पढ़ाई, उसके बाद मैं आराम से टीवी देखूंगी और तो हम बहुत मजे करेंगे अभी रात को, और कम ही देखेंगे 10-15 मिनट, क्योंकि मम्मा अगर सो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए जब तक मम्मा नहीं सोएगी तब तक हम टीवी देख लेंगे। तो फ्रेंड चलो पढ़ाई करते हैं। नाइसा। हाँ मम्मा। बैठ गए हो पढ़ने के लिए? हाँ हाँ मम्मी। ठीक है, देखो तुम्हारा काम खुद का इजी हो जाएगा, 5 to 6 क्वेश्चन कर लो जल्दी से और उसके बाद आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। और फिर मैं, क्योंकि मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, आपको पता ही है कि ट्रैवल के टाइम पे मेरे को नींद नहीं आती, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ मैं अभी, ठीक है ना? ओके मैंने खा लिया है, आराम से बैठ जाओ आप सारी चीजें। और हाँ फ्रेंड्स, मम्मा ने आते ही हमें खाना दे दिया था, हमें इतनी ज्यादा भूख नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी खा के आ चुके थे। तो अभी अब मैं कर रही हूँ पढ़ाई, जब उसके बाद मैं फ्री बैठूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी टीवी बस 10-15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स घर आने के बाद में इतना अच्छा सुकून मिल रहा है, बेड के इतने भाई, मतलब गद्दे इतने सॉफ्ट, क्योंकि बाकी होटल्स के ना गद्दे मतलब हमें ना सूट नहीं करते। मतलब फ्रेंड्स हम भी जब भी घर से दूर जाते हैं ना, तो हमें मतलब जैसे ही घर पे आते हैं ना, सबसे पहले हम अपने बेडरूम में जाते हैं, वहाँ पे लेटते हैं, और अभी भी मैं अपने बेड पे ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को बेड अपना बहुत अच्छा लगता है और घर भी मम्मी को अपना बहुत अच्छा लगता है, और घर पे आके ना मतलब एक अलग सी वाइब है। फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए नाइसा कर रही थी शूट, मैं चली गई थी कुछ काम करने और बैग वगैरह पैक थे जो वो खोलने चली गई थी फ्रेंड, उसके बाद मैं आके फ्री हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है और अभी मुझे करनी भी है एडिटिंग, और आज नाइसा की कल अब छुट्टी है फ्रेंड, और टियाना को जाना है स्कूल, तो मैं इनको थोड़ी देर टीवी के देखने के लिए बोल दूंगी, ताकि बच्चे भी बोर ना है और टीवी देख लेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।